थे और ऐसे में कई बार उन्हें अचानक हमले का शिकार होना पड़ता है। इन सभी चीजों से बचते हुए जैसे ही खतरे का अंदेशा होता है, ये किस तरह सुरक्षा बलों ने अपनी सुरक्षा की पोजीशन पाड़ लिया और अब उन्हें जवाबी कार्रवाई के लिए सब सुरक्षित तैयार हैं। इनके साथ इनके श्वान भी हैं और ये देखते हैं इस विशेष प्रदर्शन एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान श्वानों की क्या भूमिका होगी। और बड़ी हिंदे जी के साथ और ये आगे बढ़ते हुए और इस तरह इन्होंने इनको धर दबोचने में बड़ी ही सराहनीय भूमिका निभाई। बहुत ही सुंदर ये एक नया प्रयोग लेकिन बहुत ही सफल बहुत ही सराहनीय। और ये है कॉम्बिनेशन जंप। जी हाँ, भारतीय दर्शक संस्था जी हाँ, ये बहुत ही तेजी के साथ बहुत ही सफल रामपुर हाउन सलाम है जंप। और एक बार फिर उत्साहित होकर आप सभी की तालियों से प्रभावित होकर एक बार फिर से तेजी के साथ और अपनी नजर इवेंट नंबर ये एक बार फिर से प्रयास करेगा। मौसम गर्म होने के कारण श्वान थोड़े से विचलित हो जाते हैं और ये इसने कहा जय हिंद। जय हिंद यानी टीम जो सामने वर्टिकल वॉल है जो 18 फुट ऊंची है जी हम उसको लेके मनोहर हाउन विजय कितनी सफलता से इसको पार कर गया और बड़ी ही आसानी के साथ भारतीय नृत्य का काम विजय से अंजाम दिया और तरीके से उसने पार किया। और ये बहुत ही ऊंची और सामने रखेंगे तो इवेंट नंबर 3 लैडर क्लाइंब और ये है मोगली रामपुर हाउंड भारतीय नृत्य का काम। आप सभी का अटेंशन लेता हुआ कि मेरे लिए तालियां बजाओ, मैं कुछ नया कर दिखाने वाला हूँ। देखिए आपकी तालियों के बाद प्रभावित होकर कैसे ऊपर चल रहा। क्या हम आपको बता देंगे पहले इस प्रदर्शन में लगभग 2 घंटे का समय लगता था लेकिन आज ये भारतीय नृत्य के श्वान पूरी तरह प्रशिक्षित हैं और इसे किस तरह अंजाम दे रहे हैं और ऊपर चढ़कर उसने एक बार देखा कितना मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। और ये अब संतुलन बनाए हुए नीचे उतरता हुआ अगर ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ना हो, टेढ़े मेढ़े रास्ते हो, सीढ़ी नुमा रास्ता हो तो कैसे चढ़ना है, इसका ये प्रदर्शन। और ये इसे बड़ी सफलतापूर्वक पूरा किया, बहुत ही सुंदर। और अब दाहिनी ओर देखें जहां इवेंट नंबर 7 बस असॉल्ट जिसे रक्षक अंजाम देने वाला है। घुसपैठिए को काबू करना या छुपे हुए आतंकवादी को पकड़ना इस क्षेत्र में जिसे अंजाम देता हुआ और बड़ी ही आसानी के साथ एनएसजी कमांडो की तरह ये हमारे श्वान इतने प्रशिक्षित कि अगर रास्ता टूटा भी हो तो भी राहत और बचाव कार्यों में रोपवे के जरिए पहुंचना है। और अगला प्रदर्शन जिसे हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि अपनी मांगों को लेकर भीड़ किस बेकाबू हो जाती है, पुलिस व सुरक्षा बलों के लिए ये चुनौती बन जाते हैं, देश की सुरक्षा के लिए चुनौती बनते हैं। और यहाँ हम बता दें कि इसमें मुख्यतः भारतीय नृत्य के स्थान कानून में रामपुर हाउन, मुरोल हाउन, रामपुर हाउन के 2 और 1 अन्य स्थान इसमें शामिल। जी हाँ, और चेतावनी देता हुआ सुरक्षा बल करने दी और ये जैसे ही श्वानों को छोड़ा गया ये भीड़ तितर बितर हो गई, भागने लगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने भीड़ को तितर बितर कर दिया, बहुत ही सराहनीय, बहुत अच्छे। ये श्वान
ये बहुत ही जबरदस्त पकड़, बहुत ही जबरदस्त पकड़। और इस तरह ये देशद्रोही काफिर अगला प्रदर्शन इवेंट नंबर आठ सामने इवेंट नंबर आठ नायाब संतर स्वान का नाम है सुंदरी रामपुर हाउन भारतीय नस्ल। और बड़ी आसानी से बड़ी बेफिक्री से इसे बार करते हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छे अंदाज में इसने बार किया। रास्ते टेढ़े मेढ़े हो टूटा फूटा हो तो ही मंजिल तक पहुंचना सुरक्षा में अपने। संदीप गुप्ता सुमदान डॉक्टर नीरज वर्मा वित्त गमदान की ट्रेनिंग है तथा डॉक्टर अनुराग जी आर्य प्रशासन की देखरेख करते हैं। क्या हम आपको बता दें कि आज के इस प्रदर्शन में आप देसी स्वान यानी भारतीय नस्ल के स्वानों को भी देखेंगे जो एक अपने अलग अंदाज में आपको दिखाई देंगे। यहाँ हम आपको सूचित करते समिट में भी इन स्वानों की सुरक्षा के मद्देनजर भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई यहाँ के प्रसिद्ध स्वानों ने। और इसी के साथ आज के इस परेड प्रांगण की गतिविधियाँ और प्रदर्शन संपन्न होते हैं। हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय सहित उपस्थित आप सभी का हृदय से निवेशक सीमा सुरक्षा और समस्त कानून परिवार योग से आभार।